एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कई नए मेहमान आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा आकर्षण सफेद हिरण है। दुर्लभ सफेद हिरण पहली बार इंदौर चिड़ियाघर में आया है। माना जा रहा है कि सफेद हिरण समेत लाए गए तमाम प्राणी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। इंदौर प्राणी संग्रहालय में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दुर्लभ एवं आकर्षक जानवरों को चंडीगढ़ जू से इंदौर चिड़ियाघर लाया गया है। पिछले दिनों इंदौर जू की टीम यहां से टाइगर, बब्बर शेर और कुछ अन्य जानवरों को लेकर चंडीगढ़ जू रवाना हुई थी। उसके बाद बुधवार दोपहर एक जोड़ा बबून विदेशी बंदर, एक जोड़ा सारस, एक मादा हिप्पोपोटामस विदेशी बंदर, दो जोड़े भालू, एक जोड़ा चिंकारा, दो जोड़ा सागी और एक सफेद हिरण को लेकर टीम वापस इंदौर पहुंची। आने वाले समय में अब दुर्लभ मेहमानों को देखने के लिए शहर के अतिरिक्त इंदौर की सीमा से लगे शहरों के पशु प्रेमी भी इन्हें देखने के लिए यहां पहुंचेंगे। इसके साथ ही दुर्लभ जानवरों को चिन्हित कर यहां लाया गया है, जो अब तक इंदौर चिड़ियाघर में ही नहीं थे। यहां आने वाले एवं यहां से जाने वाले सभी जानवरों को लेकर इस बात का ख्याल रखा गया है कि वह जहां भी रहे वहां का वातावरण उनके अनुकूल हो, उनकी सेहत पर कोई फर्क ना पड़े, लिहाजा आगामी एक सप्ताह के करीब इनका खासा ख्याल रखा जाएगा। जी सर बताइए, वाइट हिरन आए हैं तो लोग किस तरह से? हाँ, लोगों में जरूर नई स्पीशीज का इंट्रोडक्शन जू में हुआ है, जिसमें एल्बिनो व्हाइट कलर का जो ब्लैक बक आया, जो कि नेचुरली ब्लैक रहता है इसलिए उसका नाम ब्लैक बक है, लेकिन ये एल्बिनो है, इसमें व्हाइट कलर आया और पूरी तरह से सफेद, जिस तरह व्हाइट टाइगर होता है इसी तरह का व्हाइट हिरन है ये, और एल्बिनो है ये। दर्शकों के बीच काफी अट्रैक्शन है और नए जो हम लोग को अभी चंडीगढ़ से एक्सचेंज प्रोग्राम मिला है, जिसमें हिप्पो है, बबून है, व्हाइट बक है और टर्गुपाइन है, रोजी पेलिकॉन है, सारस का एक जोड़ा है और इस तरह के जो एनिमल्स लाए, काफी दर्शकों में अट्रैक्शन है और लोग काफी पसंद कर रहे हैं।